वो एग्री कर में आपका होगा पंकज भारद्वाज। पंकज किस तरीके की घटना हुई थी आपके साथ? सर मैं और मेरा फ्रेंड दोनों हम राठी हॉस्पिटल जा रहे थे समोसे खाने। जब मैं अपने घर से निकला तो मेरे घर से निकलते ही पीछे पार्क पड़ते हैं, जिस पार्क के पास ही पहुंचे थे पीछे से एक बाइक टकराती है मुझसे, तो मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लगी उसके टकराने से। मैंने उसे गाली दी, वो रुका, जो भी दो लड़के थे वो रुके, उसने मुझसे बदतमीजी की। थोड़ा सा हम लोगों के बीच में हाथापाई भी हुई थी, और मेरे फ्रेंड ने बचाव भी किया खूब। तो मेरे साथ लड़का था मेरा दोस्त, उसने बीच बचाव किया। जब उसने उस लड़के ने मेरे थप्पड़ मारा तो मैंने अद्धा उठाया था ईंट उसे मारने के लिए, उसने बंदूक निकाली मेरे ऊपर फायर किया, फायर करके वो बाइक पे बैठे और चले गए। मेरा दोस्त उनके पीछे भागा थोड़ा सा, इतने में वो निकल चुके थे। मेरे फ्रेंड ने नंबर देख लिया है और मैं उन लोगों को शकल से पहचान सकता हूँ। एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़के को एडीए पार्क के पास जो है गोली मारी गई। तत्काल प्रभारी निरीक्षक शासनी गेट श्रीमती अरुणा राय वहाँ पर रश करके पहुँची और उसको लड़के को लेकर के यहाँ मलखान सिंह में आई हैं। मलखान सिंह में यहाँ पर जहाँ पर प्राइमरी इसका ऑब्जर्वेशन किया गया है, ब्लैकनिंग टैटूइंग पाई गई है, जबकि इसका कहना है कि कुछ दूरी से इन्होंने गोली चलाई और बहुत ही पास में चोट है जो, तो तुरंत वहीं चमड़े के पास गोली लगी और वहीं से एग्जिट कर गई है। सुपरफिशियल चोट है, इसका इलाज कराया जा रहा है, खतरे से बाहर है। इससे पूछताछ की गई, कुछ तथ्य इसने बताया जिस पर